झूठी रिपोर्ट और षड्यंत्र के खिलाफ सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने की व्यापक बैठक। समर्थन में खुलकर आया सर्व समाज। सर्व समाज के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों ने आज आम बैठक कर नगर में झूठी रिपोर्ट एवं समाज के आड़ में आक्रोश व्यक्त किया है। हर छोटी छोटी बात या विवाद सामने लाकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी किया जाना या किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने का प्रयास किए जाने को अत्यंत ही निंदी एवं घटिया कृत्य करार दिया है। सर्व समाज ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि विगत दिवस विधायक प्रदीप जायसवाल 4 बार विधायक बन चुके हैं, आज भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ग्राम सिकंदरा में उनके कार्यकर्ता जसवंत पटले के घर वे रात 9:30 बजे 29 नवंबर को उनके कार्यक्रम हेतु लेने गए थे, तभी उनके वाहन के सामने 3 शराब के नशे में अज्ञात व्यक्ति आए। विधायक द्वारा तीनों व्यक्तियों से गाड़ियों में चर्चा की गई, किंतु तीनों व्यक्ति नशे की हालत में थे, जिसे उनके सुरक्षा गार्ड ने उन्हें गाड़ी से उतरकर बलपूर्वक हटाया। तत्पश्चात विधायक अपने कार्यक्रम के लिए आगे निकल गए। इतनी सी बात पर घटना के 24 घंटे बाद पवार समाज का नाम देकर कुछ राजनैतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों ने बिना मारपीट, जातिगत गाली देने सहित अन्य आरोपों के साथ फर्जी रिपोर्ट डलवाई है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हुआ है। विगत दिवस राम मंदिर में हुई पवार समाज की तथाकथित मीटिंग व गौरव पारधी विवेक पटले निरंजन बिशेन के द्वारा रखी गई, जिसमें उनके कार्यकर्ता एवं समर्थक ही थे, समाज के पदाधिकारी कोई भी उपस्थित नहीं थे। इस पत्रकार वार्ता के दौरान वाराणसी का सर्व समाज उपस्थित रहा। और ऐसे षड्यंत्र इसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि आज यदि एक विधायक के साथ ऐसा हो गया है तो कल किसी आम नागरिक के साथ, किसी व्यापारी के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग व्यापार करते हैं या समाज में चलते हैं तो सभी समाज के लोगों से सामना होता है। लेकिन एक व्यक्तिगत लड़ाई को यदि हम हर लड़ाई को समाज की ओर डाइवर्ट करेंगे तो ऐसे में तो समाज में विघटन हो जाएगा। इसी बात का हम लोग आज निषेध करने के लिए सब लोग जमा हुए कि ये जो घटना गुड्डा भैया के साथ हुई है, अब ये हमारे क्षेत्र के किसी के भी साथ ना हो, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं, हम रोड में चल रहे हैं। कोई लड़ाई को यदि समाज के रूप में, यहाँ सभी समाज है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक है, लेकिन किसी तरह का इस टाइप का समाज के नाम पे दबाव ना बनाया जाए, इसी बात की हम लोग आज अधिकारियों से मांग भी कर रहे हैं, इसी चीज का हम ज्ञापन दे रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए, जिससे इस षड्यंत्र के पीछे के लोग भी बेनकाब होना चाहिए कि उन्होंने कैसे षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया।